दाऊद की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में उसके घर पर पाकिस्तानी फौज के कमांडो और बढ़ा दिए गए हैं। किस बात से वो डरा हुआ है? हम बात कर रहे हैं छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की। किसी जमाने में एक दूसरे के साथ ही ये दोनों अब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। छोटा राजन भारत के शिकंजे में है। आज उसके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी गई और इसी के साथ उसका एक बयान मीडिया में उछला। उसके बयान के निशाने पर था सिर्फ दाऊद, और छोटा राजन के इसी बयान के बाद कराची और इस्लामाबाद में दाऊद इब्राहिम के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छोटा राजन पहले भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारतीय एजेंसियों का हथियार बन चुका है, तो क्या उसके सीने में दाऊद का कोई और गहरा राज है जिसके खुलने के डर से दाऊद बेचैन है? आखिर दाऊद ने अपने पाकिस्तानी आकाओं से कहकर अपनी सुरक्षा क्यों बढ़वाई है? देखिए, इंडोनेशिया से पाकिस्तान और मुंबई के बीच घूमती ये विशेष रिपोर्ट। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में राजन, दाऊद कहाँ है? आईएसआई उसे छुपा रही है। कौन छुपा रहा राजन, कौन छुपा रहा दाऊद को? आईएसआई छुपा रहा है। मैं दाऊद के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा, लड़ते रहूंगा हमेशा के लिए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हैं गिरफ्तार डॉन छोटा राजन के बोल। इंडोनेशिया का बाली जो अपने सुंदर समुद्र और सैलानियों के लिए मशहूर है, आजकल छोटा राजन के लिए चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया से बाली आया छोटा राजन कानून की गिरफ्त में आ गया। कुछ ने कहा कि उसे भारतीय इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार किया गया, तो कुछ ने कहा कि उसने दाऊद से बचने के लिए भारतीय एजेंसियों से सरेंडर की डील की और ऑस्ट्रेलिया से निकलकर यहां गिरफ्तार होने आ गया। जो भी हो, भारतीय दूतावास के संजीव अग्रवाल, मुंबई पुलिस और सीबीआई की टीम ने छोटा राजन से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। छोटा राजन को बाली के डिटेंशन सेंटर लाया गया और एक बार फिर उसे मीडिया से बातचीत का मौका मिल गया। जवाब में गुस्सा था, मजबूरी थी, छटपटाहट भी थी और एक ऐलान भी था। बिल्कुल, आप लड़ते रहूंगा हमेशा के लिए। मैं प्रणय उपाध्याय, इस समय इंडोनेशिया हूँ। इंडोनेशिया की धरती से जब छोटा राजन ने कहा कि वो दाऊद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, तो सबका चौंकना लाजमी था। भारत पहुंचने के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाने को तैयार छोटा राजन आखिर जेल में रहते हुए कैसे दाऊद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा? क्या छोटा राजन का इशारा इस बात की ओर है कि वो भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दाऊद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम करेगा? और तो और, छोटा राजन ने यह दावा किया कि दाऊद बखूबी पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई उसे छुपा रही है। कौन छुपा रहा राजन, कौन छुपा रहा दाऊद को? आईएसआई छुपा रहा है। हैरत। लेकिन इधर छोटा राजन ने यह बयान दिया, उधर इंडोनेशिया से 6379 किलोमीटर दूर कराची में हलचल शुरू हो गई। कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दाऊद के घर को स्पेशल कमांडो ने घेर लिया। पाकिस्तानी फौज के ये कमांडो किसी को भी उस घर के आसपास फटकने नहीं दे रहे। ये घर है कराची के क्लिफ्टन रोड पर। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दाऊद के 2 घरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। वैसे छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई नई बात तो नहीं बताई है। भारत ही नहीं, शायद पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तान की फौज की सरपरस्ती में रह रहा है। कराची और इस्लामाबाद में उसके घर हैं और वो पाक एजेंसियों की रखवाली में कहीं आता जाता है। फिर आखिर दाऊद और उसके कुनबे में छोटा राजन के भारत आने से इतनी हलचल क्यों है? हलचल तो भारत में भी काफ़ी है। छोटा राजन को उसी जेल के उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब को रखा गया था। दाऊद का पहला घर है जियाउद्दीन अस्पताल के पास शिरीन जिन्ना कॉलोनी में। यह इलाका है कराची का क्लिफ्टन, जहां पाकिस्तानी फौज के पूर्व अफसर रहते हैं। दाऊद का दूसरा घर है इस्लामाबाद में, हाउस नंबर 7, मारगल्ला रोड F6/2 में। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के दोनों शहर कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी सुरक्षा देती है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज मोहम्मद सईद और लखवी की भी सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों अचानक दाऊद की सुरक्षा बढ़ा दी गई? आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के साये में रहने वाले दाऊद को आखिर किस बात का डर? कहीं डर इस बात का तो नहीं
कि छोटा राजन के भारतीय एजेंसियों के हाथ आने के बाद ही कंपनी के कई राज बेपर्दा हो जाएंगे। इस बीच भारत की माया नगरी मुंबई में भी हलचल उफान पर थी। खबरें ऐसी उड़ रही थी कि दाऊद इब्राहिम के कुछ गुर्गों ने छोटा शकील को जान से मारने की कसम खाई है। इसी वजह से छोटा राजन के भारत आने पर यहां सुरक्षा का तामझाम और सख्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि क्रॉफर्ड मार्केट के पास मौजूद मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में ही छोटा राजन को लाया जाएगा। ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने पर विचार हो रहा है, ताकि छोटा राजन को स्थानीय कोर्ट में पेश करने के जोखिम से बचा जा सके। ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आर्थर रोड जेल में भी देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बताया गया है कि छोटा राजन को पाकिस्तानी आतंकी आमिर अजमल कसाब वाले लॉकअप में ही रखा जाएगा। इस समय हम मुंबई क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर में खड़े हैं, और अगर छोटा राजन को यहाँ पे लाया जाता है तो उसे उस लॉकअप में रखा जाएगा जिस लॉकअप में 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को रखा गया था। इस बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर गए भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ काला से मुलाकात में दोनों देशों के बीच 2011 से फंसी प्रत्यर्पण संधि को अंजाम तक पहुंचाने में लगे रहे। डेपोटेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स इज समथिंग दैट द कंसर्न्ड एजेंसीज आर डीलिंग विद एंड वी आर रिसीविंग एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडोनेशियन काउंटर पार्ट्स, सो दैट इज ए मैटर दैट इज वेरी मच अंडरवे। भारत की कोशिशें रंग लाई और इंडोनेशिया ने कह दिया कि प्रत्यर्पण संधि को लागू करने के लिए कागजातों के आदान प्रदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इस काम में लंबा वक्त लग सकता था और उस सूरत में छोटा राजन को भारत लाने में और वक्त लग जाता। छोटा राजन को संभवतः मुंबई लेकर जाएगा, जहां पे एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम जो कि हर एजेंसी की होगी, जिसमें हर एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, उससे पूछताछ करेंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता और बाली से अरुणोदय मुखर्जी के साथ प्रणय उपाध्याय, IBN 7। छोटा राजन को तो जरूरत है भारत आने की दाऊद से बचने के लिए, मगर भारत के लिए वो कितना काम का है आइए देखते हैं। दाऊद और उसके इक्के आज तक सुरक्षित हैं, छोटा राजन उसका क्या बिगाड़ पाया? न छोटा शकील पर कभी छोटा राजन ने हमला किया और ना ही उसके गैंग ने कभी अनीस इब्राहिम पर हमला किया। छोटा राजन ने आज तक दाऊद की कौन सी जानकारी दी है, ये कई लोग सवाल उठाते हैं। और छोटा राजन की जानकारी पर आज तक भारत को क्या बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं, ये भी पूछा जाता है। दाऊद को मारने या पकड़ने में क्या वो वास्तव में मदद कर सकता है, ये अपने आप में एक और सवाल है। और हिंदू डॉन या देशभक्त डॉन की छवि छोटा राजन की जो बनाई गई, इसके पीछे कौन है? डॉन के खिलाफ डॉन को इस्तेमाल करने की नीति आज तक तो कारगर उस तरह से नहीं हुई कि दाऊद आज भी पाकिस्तान में है, जिंदा है और उसके बेहद करीबी आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं। छोटा राजन ने दाऊद के कई करीबियों को मारा है और यही कारण है कि दाऊद आज तक उससे नाराज है। एक एक करके आपको बताते हैं कैसे खास तौर पे नेपाल के अंदर छोटा राजन ने लोगों को मारा। दाऊद का करीबी माना जाता था, नेपाल का नेता था दिलशाद मिर्जा बेग, जिसके बारे में कहा यह जाता था कि वो ISI का एजेंडा चलाता है पाकिस्तान के अंदर, उसे मारा था छोटा राजन के गैंग ने। दाऊद के करीबी एक और ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के तकीउद्दीन वाहिद शान को भी छोटा राजन के गैंग ने मारा था। और इसके अलावा दाऊद के करीबी नेपाल के केबल ऑपरेटर जमीम शाह को भी छोटा राजन ने मारा था। मैं खुद जाके नेपाल में जमीम शाह से मिला था, नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया में वो काम करता था और उस पर लगातार आरोप लगते थे कि वो न केवल मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में शामिल है बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी ISI के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। जमीम शाह को भी छोटा राजन के लोगों ने मार गिराया था। अब थोड़ा इंतजार करके देखना होगा कि वाकई छोटा राजन के भारत आने के बाद में क्या दाऊद के बारे में कोई बड़ी जानकारी मिलती है। बहरहाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार में आखिरी दौर के लिए मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म होना है। नेताओं के पास इसका मतलब हुआ सिर्फ एक दिन का समय बचा है और इसीलिए उन्होंने चुनावी रण में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, कहीं कोई कमी न रह जाए। रैलियों में शब्दों की बौछार हो रही है। आज भी क्या क्या हुआ बिहार में, इस रिपोर्ट में देखिए। पांचवा फेज बाकी है जिसमें और ही बदलने वाले हैं, तो और क्या बोलता कि हार जाए। बड़े बड़े लोगों को उनके दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं,
उनको जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था। बिहार में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तमाम दिग्गज अपना दमखम झोंकते हुए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वहीं से चल रहे हैं बयानों के तीखे बाढ़। कोई नेता अपने विरोधी पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, भले ही राजनीतिक मर्यादा की धज्जियां उड़ जाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें झूठा बताया और कहा कि पांचवें चरण में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो शब्द उन्होंने चुने उसे सुनकर आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा। झूठा प्रधानमंत्री है, हम आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का मांग करेंगे, सब गलत बोलता है। आरएसएस का आदमी है प्रधानमंत्री। भाजपा फिर बाकी है जिसमें और ही वाले हैं, तो और क्या बोलता कि हार जाए, हार गए हैं। वहीं महागठबंधन के तीसरे सहयोगी यानी कांग्रेस ने पीएम पर गंभीर आरोप लगाया। अररिया की रैली में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर अपने दोस्तों को ठेके देने का आरोप लगाया। बड़े बड़े लोगों को, उनके दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, उनको जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। एक तरफ जहां लालू यादव और राहुल गांधी बयानों के तीर चला रहे थे, वहीं जेडीयू ने प्रधानमंत्री पर अलग ही अंदाज में निशाना साधा। रेप केस के आरोपी आसाराम से उनके संबंध बताते हुए पार्टी ने कहा कि मोदी जी कैसे संतों के पास जाते हैं। किन आरोपों में आसाराम जेल में गए हैं? वीडियो वो नहीं, जब मोदी जी हमें कह रहे थे तंत्र मंत्र, कह रहे थे नीतीश जी तांत्रिक से मिलने लगे हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए किस संत की वाणी मोदी जी बोलते हैं और कैसी वाणी बोल रहे हैं, किन वाणियों के संगत में रहते हैं। ये आसाराम जी के संगत में रहते हैं। आसाराम जी की आरोपों में आरोपित हैं और मोदी जी उनसे अपने आप को शिव कहलवा रहे हैं। वहीं पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी ने सिख दंगों को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सिखों का कत्लेआम करने वाले आज असहिष्णुता पर उन्हें भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस का ड्रामा बताया। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए 2002 के गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था। उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। वाजपेयी जी का 2002 का संदेश नहीं बताए, जब इनको राजधर्म का पालन करने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इन्होंने उस राजधर्म का पालन नहीं किया। आखिरी चरण में इन बयानों से किसे कितना फायदा होगा ये तो 8 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव में जुबानी जंग ने नेताओं से क्या क्या नहीं कहलवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडियन ऑबोजी में अब बात साईं पर संग्राम की। साईं पूजा के खिलाफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि साईं मुसलमान थे, इसीलिए उनकी पूजा किसी मंदिर में नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर साईं एक और बात कही और उन्हें एक पोस्टर दिखाया जिसमें हनुमान जी साईं बाबा को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। साईं ट्रस्ट का कहना है कि साजिश के तहत साईं बाबा को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जा रही है। साई बनाम शंकराचार्य के झगड़े पर देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या साई बाबा भगवान नहीं है? क्या साई को पूजना गलत है? आखिर साई के नाम पर क्यों छिड़ा है संग्राम? कौन तय करेगा कि किसे पूजा जाए और किसे नहीं? साई बाबा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी पूजा करने या नहीं करने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के एक छोर पर हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जो साईं की पूजा के घोर विरोधी हैं और चाहते हैं कि साईं बाबा की मूर्तियों को देश के हर मंदिर से बाहर कर दिया जाए। तो विवाद के दूसरे छोर पर हैं साईं बाबा के भक्त और समर्थक। असल में ताजा विरोध शंकराचार्य के उस पोस्टर को लेकर छिड़ा है जिसमें हनुमान जी को साईं बाबा को खदेड़ते हुए दिखाया गया है। शंकराचार्य का आरोप है कि पोस्टर वार साईं समर्थकों ने शुरू किया था, जिसका जवाब उन्होंने इस पोस्टर के जरिए दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था। इन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया है कि जिसमें साईं विराट रूप दिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी, साईं बंसी बजा रहा है।
स्वरूपानंद सरस्वती लंबे अरसे से साईं पूजा का घोर विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि साईं का असल नाम चांद मियां था और वो मुसलमान थे। ऐसे में एक मुसलमान की मंदिर में पूजा सनातन धर्म का अनादर है। वहीं इसके जवाब में साईं ट्रस्ट का कहना है कि साईं बाबा हिंदू थे और कुछ लोग साजिश के तहत उन्हें मुसलमान साबित करने पर तुले हैं। हमारे मंदिरों में साईं की मूर्ति क्यों रखी जा रही है एक मुसलमान की? हमारे यहाँ पुराण है, साईं पुराण क्यों बनाया जा रहा है? चांद मियां नहीं थे, ये भड़का रहे हैं, ये इनका नाम बदनाम करना चाहते हैं, ये इनको मुसलमान साबित करना चाहते हैं, वो नहीं थे। आज किसी भी मुसलमान के कान छिदे हुए नहीं होते। साईं बनाम शंकराचार्य के मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मुद्दे पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि हर किसी को अपने भगवान चुनने और उन्हें पूजने का हक है। हिंदू समाज में हर व्यक्ति को अपना देवता भगवान कौन हो यह तय करने का, उसकी पूजा करने का अधिकार है। आमतौर पर हर मुद्दे को सियासी रंग देने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इस विवाद पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन साईं समर्थकों ने शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य बताकर पूरे मामले को सियासी एंगल जरूर दे दिया। जवाब में शंकराचार्य का कहना है कि साईं समर्थक उनका अपमान कर रहे हैं। हमको कांग्रेसाचारी कहकर गाली दी जाती है, तो हमारा इस पर कहना है कि ये किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका अर्थ ये है कि साईं के बारे में जो हम बोल रहे हैं उसका कोई उत्तर दे। ये इनके पास प्रूफ होगा जिन्होंने आज तक शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य कहा। मैं तो सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ के पर्दे के पीछे, शंकराचार्य के पीछे कुछ और चीज है, आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यहाँ हर शख्स को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अपने भगवान चुनने और उसे पूजने का हक। हिंदू धर्म में तो पेड़ पौधों और पत्थर पहाड़ों तक की पूजा की जाती है। ऐसे में आखिर खुद को सनातनी मानने वाले शंकराचार्य आखिर साईं पूजा के खिलाफ क्यों? अब देखिए, दूध गाय का पिया जाएगा, कुछ जगह नहीं पिया जाएगा, तो समान व्यवहार नहीं हो सकता, समान दृष्टि हो सकती है। मंदिरों में साईं बाबा की पूजा का विरोध नया नहीं है, पहले भी कई बार साईं समर्थकों का विरोध हो चुका है। यहाँ तक कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की भी कोशिश हो चुकी है। सवाल ये कि क्या ये पूरा विवाद सिर्फ धर्म और आस्था से जुड़ा है या इसके पीछे शिरडी के साईं ट्रस्ट को मिलने वाला मोटा चढ़ावा भी है। दिल्ली से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे। अब चलते चलते बात बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की, जो आज 50 साल के हो गए हैं। मुंबई में उनके घर मन्नत के बाहर देखिए किस तरह शाहरुख को बधाई देने के लिए हजारों लोगों का जमावड़ा रहा। इस दौरान बादशाह खान ने भी समर्थकों का जमकर मनोरंजन किया, उत्साह बढ़ाया हर बार की तरह। ये देखिए इस तरह घर की छत पर शाहरुख आए, हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। अपने 50 साल में शाहरुख ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साधारण सा नौजवान दिल्ली का लड़का एक दिन बॉलीवुड पर इस कदर राज करेगा, ये शायद शाहरुख ने खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा। आज वो बादशाह, किंग समेत कई नामों से जाने जाते हैं। शाहरुख का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। 2 नवंबर 1965 को पैदा हुए इस नौजवान ने 2 दशक पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1992 में पहली फिल्म साइन की, दीवाना, जिसके लिए शाहरुख को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद लगातार उनका सितारा बुलंद होता गया और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। IBN 7 की तरफ से सुपरस्टार शाहरुख खान को 50वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।